अध्याय बार है जीसस के अनुयायियों की बढ़ती संख्या देखकर मुख्य पादरियों और फेरेसियों ने मिलकर उन्हें मार डालने की सलाह की क्योंकि उनकी लोकप्रियता के कारण उन लोगों की आमदनी पर असर पड़ रहा था जीसस लोगों को रूहानी शिक्षा दे रहे थे और बदले में उनसे कुछ नहीं लेते थे कोई भी संत शिक्षा देने का शुल्क नहीं लेता हालांकि जब जीसस जेरूशलम में प्रवेश कर रहे थे तो एक विशाल जन समूह बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ उनका आदर सम्मान कर रहा था लेकिन वे जानते थे कि एक सप्ताह के अंदर ही उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो जब क्राइस्ट ने कहा कि जल्दी ही उनकी महिमा होगी तो वे ये संकेत दे रहे थे कि जल्दी ही वे परमपिता के पास वापस जाकर उनसे एक हो जाएंगे वे जानते थे कि उनका अंत निकट आ रहा है क्योंकि परम पिता द्वारा सौंपा गया काम वे लगभग पूरा कर चुके थे इसलिए वे फिलिप और एंड्रयू को बताते हैं कि इस शरीर में रहते हुए अपना निर्धारित कार्य पूरा करके उन्होंने परमपिता का गुणगान किया है और अब परमपिता उन्हें वापस अपने पास बुलाकर गौरववान बनाएगा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूँ का दाना जमीन में दबकर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल देता है जिस तरह एक बीज तब तक फल नहीं दे सकता जब तक वह मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खो देता उसी तरह जब तक हम अपने अहम को पूरी तरह से मिटा नहीं देते हम रूहानी स्तर पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और अपने अंदर मालिक के अस्तित्व का अनुभव नहीं कर सकते जिस तरह बीज को उस मिट्टी में मिलकर मिट जाना पड़ता है जिसमें उसे बोया जाता है उसी तरह हमें भी अपने अहम को मिटाना पड़ता है उसे पूरी तरह नष्ट करना पड़ता है अपने अहम के कारण हम अवगुणों से इतने भरे होते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं होती इसलिए हम अकेले होते हैं जब तक हमारे अंदर अहम है हमें परमात्मा के अस्तित्व का एहसास नहीं हो सकता जब तक हम में अहम का एक कण भी बाकी है तब तक हम अपवित्र हैं और परमात्मा से मिलाप के योग्य नहीं हैं अहम और विनम्रता एक दूसरे के विरोधी हैं दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते अहम से हमें छुटकारा तभी मिलेगा जब हम अपने अंदर विनम्रता पैदा कर लेंगे और विनम्रता भी बनावटी नहीं असली और खरी होनी चाहिए जो अनायास ही अंदर से फूटती है सोच समझकर बनावटी विनम्रता का आवरण पहनना तो मानो नकली गहनों से श्रृंगार करना है जब तक हमारा रचना के पदार्थों तथा चेहरों से मोह है हम अहम से भरे हैं जो विनम्रता के ठीक विपरीत है केवल लगाव ही हम में वैराग्य पैदा कर सकता है जब हमारा अंदर के दिव्य संगीत से शब्दधुन से लगाव हो जाता है तो रचना से हमारा मोह अपने आप कम हो जाता है और हम में सच्ची विनम्रता आ जाती है जिसे जीवन प्यारा है वह उसे खो देगा और जो इस जगत में जीवित रहने से घृणा करता है वह उसे अनंत जीवन पाने में लगाएगा इसका अर्थ है कि जो विषय सुख भोगने में मग्न है तथा सांसारिक वस्तुओं तथा उपलब्धियों के पीछे भागता है और जो इस रचना के मोह से ग्रस्त है वो वास्तव में यह नहीं जानता कि वो क्या खो रहा है इस धरती पर अपने जीवन का सही उपयोग ना करके वह अनंत जीवन पाने का सुनहरा अवसर गंवा रहा है उसे अपने भारी नुकसान का कोई अंदाजा ही नहीं है लेकिन जो अपने मन को विषय भोग लोगों के चेहरों तथा सांसारिक वस्तुओं की ओर से हटा लेता है वह अनंत जीवन प्राप्त कर लेता है क्योंकि वह परम पिता के पास वापस जाकर उससे एक हो जाता है अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए उसे इस संसार में चाहे कष्ट भोगने पड़े लेकिन उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है क्योंकि इस संसार को छोड़ने के बाद उसे फिर कभी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता इस जगत में जीवित रहने से घृणा करता है से क्राइस्ट का मतलब ये नहीं था कि हमें जीवन से घृणा करनी चाहिए उनका मतलब था कि हमें संसार के मोह से लिप्त जीवन से घृणा करनी चाहिए हमें विषय भोग से बचना चाहिए असल में तो हमें घृणा करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि जब हम परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो सांसारिक जीवन में हमारी रुचि ही नहीं रहती कुछ लोग इस पंक्ति का ये अर्थ लगा सकते हैं कि हमें अपने जीवन का अंत कर देना चाहिए लेकिन इससे तो पापों के उस भंडार में जो हम युगों से इकट्ठा करते आ रहे हैं एक और बहुत बड़ा पाप जमा हो जाएगा यह मनुष्य शरीर परमात्मा ने हमें इसलिए दिया था कि हम अपने अंतर में उसके अस्तित्व का अनुभव करें लेकिन अगर हम इस बहुमूल्य उपहार को जो परमपिता ने हमें उसके पास वापस जाने के साधन के रूप में दिया है नष्ट कर देते हैं तो हम घोर पाप करते हैं यदि कोई मनुष्य मेरी सेवा करना चाहे तो वो मेरा अनुसरण करे जहां मैं होऊंगा, मेरा सेवक भी वहीं होगा यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो परमपिता उसका आदर करेगा क्राइस्ट के इस कथन यदि कोई मनुष्य मेरी सेवा करेगा का अर्थ है कि अगर कोई उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएगा और उनके आदेश के अनुसार आध्यात्मिक साधना के रूप में उनकी सेवा करेगा उसके अंदर उनका नूरी स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा वे आगे कहते हैं परमपिता और मैं एक हैं इसलिए मेरी सेवा करने वाला परमपिता की सेवा करता है और परमपिता उसे अपने पास वापस बुलाकर उसका सम्मान करेगा वापस जाकर परमपिता में समाज आने से बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है अब मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है और मैं क्या कहूं हे परम मुझे इस घड़ी से बचा परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं जीसस कहते हैं इस समय मैं परेशान हूं लेकिन अपने लिए नहीं तुम लोगों के लिए अपने शिष्यों के लिए जिन्हें मुझे बहुत जल्दी छोड़कर चले जाना होगा अब तक तुम्हें मुझसे बाहरी मार्गदर्शन मिलता रहा है लेकिन ये तुम्हें तब तक ही मिल सकता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं और क्या कहूं ये बातें मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैं जानता हूं कि मेरा शरीर त्यागने का समय आ गया है और ये मेरे पिता की इच्छा है कि अब मैं तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊं मैं अपने लिए बिल्कुल परेशान नहीं हूं मैं बहुत खुश हूं कि वापस अपने पिता के पास जा रहा हूं और जाने के लिए उत्सुक भी हूं इस समय मेरी परम पिता से केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरी इस परेशानी को दूर करे जो ये सोचकर हो रही है कि मेरे चले जाने के बाद मुझसे मार्गदर्शन न मिलने पर तुम क्या करोगे मेरा तुम लोगों को इस तरह छोड़कर जाने का एक कारण है जब तक मैं देह में तुम्हारे साथ हूं तुम थोड़े बहुत संतुष्ट हो और केवल मेरे बाहरी मार्गदर्शन पर निर्भर करते हो लेकिन जब मैं तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरे साथ रहने की लगन तुम्हें स्वाभाविक ही अपने अंदर मेरे नूरी स्वरूप तक ले जाएगी तब मैं तुम्हें अपने में विलीन करके परमपिता के पास ले जाऊंगा और हम दोनों परमपिता में विलीन हो जाएंगे इससे सिद्ध होता है कि संत कितने दयालु होते हैं और कैसे प्रेमपूर्वक अपने शिष्यों की देखभाल करते हैं वे इस संसार के नहीं होते और परम पिता द्वारा सौंपी गई आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए केवल उसकी इच्छा से यहां आते हैं फिर भी उनके हृदय में अपने शिष्यों के लिए बहुत दया और सहानुभूति होती है विशेषकर उनके लिए जिन्हें अभी तक अपने अंदर उनके नूरी स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ है गुरु जानते हैं कि वे लोग कितने दुखी होंगे लेकिन परम पिता का यही विधान है गुरु के इस संसार से चले जाने के बाद उनका विरह और उनसे मिलन की लालसा ही उन्हें अपने अंदर जाकर गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे जब गुरु जीवित होते हैं शिष्य शारीरिक रूप से उनके साथ रहकर संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं और उनसे अपने अंदर मिलने के लिए हमेशा आवश्यक प्रयास नहीं करते इसलिए उनसे सहानुभूति प्रकट करने के बाद क्राइस्ट कहते हैं परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं हे परमपिता अपने नाम की महिमा कर तब ये आकाशवाणी हुई मैंने इसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा बादल गर्जा दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला इस पर जीसस ने कहा ये आकाशवाणी मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए हुई है जीसस परमपिता से अपने नाम की महिमा करने को कहते हैं और परमपिता उत्तर देता है मैंने तुम्हारे द्वारा अपने नाम की महिमा की है क्योंकि तुम इन लोगों को नाम के मार्ग पर लाए हो पुत्र की महिमा इसलिए हुई है कि उसने अपना निर्धारित कार्य पूरा कर लिया है और जिन शिष्यों पर उसकी छाप लग गई है उनकी महिमा इसलिए हुई है कि वे अब मार्ग पर आ गए हैं जीसस ने परमपिता से प्रार्थना इसलिए नहीं की थी कि वो उनकी प्रार्थना को सुने बल्कि इसलिए की थी कि शिष्य भी उन्हें परमपिता से प्रार्थना करते हुए सुने और परमपिता को उनकी महिमा करते सुने जवाब में परम पिता की आवाज आई मैंने मसीहा जीसस की महिमा इसलिए की है कि उसके संरक्षण में दी गई आत्माओं को मार्ग पर लाकर उसने अपना काम पूरा कर लिया है जिन आत्माओं पर मेरी मोहर लगी थी और जिन्हें वह मार्ग पर लाया है उन्हें अपने स्तर पर लाकर मैं उनकी फिर महिमा करूंगा अब इस जगत का निर्णय हो रहा है अब इस जगत के शासक को निकाल दिया जाएगा संसार का शासक काल है विरोधी शक्ति है जिसे शैतान या ब्रह्मांडी मन भी कहा जाता है वही सारी रचना की देखभाल करता है रचना का हर जीव चाहे वह काल का भक्त है या नहीं उसके अधिकार क्षेत्र में रहता है क्राइस्ट कहते हैं जब मैं अपने शरीर से संपर्क तोड़ देता हूं तो काल से मेरा संपर्क अपने आप टूट जाता है क्योंकि केवल मेरा शरीर ही काल के क्षेत्र में रहता है जब मैं अपना शरीर छोड़कर परम पिता के पास चला जाता हूं तो सबसे ऊंचे मंडल में होता हूं जो काल की पहुंच से परे है केवल ये शरीर ही काल के कानून से बंधा हुआ है और ये क्षीण हो जाएगा नष्ट हो जाएगा तब मन और आत्मा दूसरा शरीर धारण करने के बजाय अपने अपने मूल स्रोत में समा जाएंगे मन ब्रह्मांडी मन में समा जाएगा जिससे आत्मा परम धाम में परम पिता में समाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी क्राइस्ट कहते हैं कि मुझे शैतान से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन परम पिता की इच्छा थी कि मैं शैतान के क्षेत्र में रहकर कुछ आत्माओं को उसके चंगुल से छुड़ा लूं अब जबकि वे आत्माएं मेरे संरक्षण में आ गई हैं मैं काल के क्षेत्र को छोड़कर जा रहा हूं और इस तरह काल को अपने जीवन से बाहर निकाल रहा हूं परंतु यदि मुझे पृथ्वी पर से ऊपर उठा लिया जाएगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा जीसस अपने शिष्यों को फिर समझाते हैं कि वे उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं वे कहते हैं यदि मुझे पृथ्वी पर से ऊपर उठा लिया जाएगा यानी जब मैं परम पिता के पास चला जाऊंगा तो उन सब को जिन्हें मैंने इस दुनिया में रहते हुए दीक्षा दी है अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे मैं परम पिता में समाऊंगा मेरे शिष्य भी मेरे साथ ही उसमें समा जाएंगे इसलिए मैं खुश हूं कि जा रहा हूं हालांकि तुम्हारे अकेलेपन और दुख का सोचकर मुझे तुमसे सहानुभूति हो रही है यह अकेलापन और दुख तुम्हें तब तक झेलने पड़ेंगे जब तक हम अंदर नहीं मिलते फिर जीसस ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि कहां जा रहा है जीसस उनसे कहते हैं शारीरिक रूप में मैं अब और थोड़े दिन ही तुम्हारे साथ हूँ तुम ये मत सोचो कि मैं हजारों साल बाद आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करूँगा मैं जल्दी ही यहां से चला जाऊँगा तुम्हें जिस मार्गदर्शन की जरूरत है मेरे जीवित रहते हुए ले लो जिन्होंने अपने अंदर मुझसे संपर्क स्थापित नहीं किया है वे मेरे प्रकाश से जो मार्गदर्शक है वंचित रहेंगे क्योंकि संसार से जाने के बाद मैं शारीरिक रूप से लोगों से संपर्क स्थापित नहीं कर पाऊंगा इसलिए अज्ञानता के अंधकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो बल्कि जब तक संसार का प्रकाश शारीरिक रूप से तुम्हारे साथ है उससे मार्गदर्शन ले लो अगर अब जब मैं दीक्षा देने के लिए संसार में हूं तुम इस मार्ग पर नहीं आते और अज्ञानता के अंधकार को अपने आप ही दूर करने की कोशिश करते हो तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि कहा जा रहा है जीवित गुरु से मार्गदर्शन लिए बिना इस संसार में रहना अंधकार में चलना है मेरे देह स्वरूप में होने का तुम्हें क्या लाभ उठाना चाहिए तुम्हें मुझसे दीक्षा लेनी चाहिए और अपने बिखरे हुए ध्यान को समेटकर कर आंखों के केंद्र पर लाना चाहिए ताकि तुम अपने अंदर वह दिव्य प्रकाश वह नूरी स्वरूप देख सको वही असली मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो वे कहते हैं अभी मैं तुम्हारे स्तर पर हूं और तुम्हें प्रकाश दिखा सकता हूं उस प्रकाश का तुम विश्वास करो मेरे देह स्वरूप के माध्यम से उस प्रकाश का अनुभव करो क्राइस्ट स्वयं प्रकाश है क्योंकि वे देहधारी शब्द हैं और शब्द में प्रकाश और दिव्य संगीत दोनों हैं जिस तरह पिता अपनी संतान से प्रेम करता है उसी तरह गुरु भी अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं इसलिए क्राइस्ट कहते हैं तुम उस प्रकाश के स्तर पर आओ और मेरे पुत्र बन जाओ जब एक बार तुम अंदर उस प्रकाश को देख लोगे और फिर उसमें विलीन हो जाओगे तब तुम प्रकाश की संतान बन जाओगे तब तुम्हें बाहर संसार में और अपने अंदर भी गुरु से मार्गदर्शन मिलेगा गुरु के शरीर छोड़ने के बाद भी शिष्य को अंतर में मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है जीसस ने ऊंचे स्वर में कहा जो मनुष्य मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मुझे भेजने वाले पर विश्वास करता है गुरु में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता वे कभी भी व्यक्तिगत रूप से अपने विषय में नहीं बोलते बल्कि हमेशा परम की ही महिमा करते हैं इसलिए जीसस कहते हैं अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम इस भौतिक शरीर पर नहीं बल्कि मुझे भेजने वाले परम पिता पर विश्वास करते हो अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मुझ पर विश्वास करते हो और मेरी शिक्षा को मानते हो तो तुम परम पिता से प्रेम करते हो जिसने मुझे भेजा है क्योंकि परम पिता और मैं एक हैं मुझे तुम्हारे प्रेम और भक्ति की जरूरत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम परम पिता के पास वापस जाओ मेरे माध्यम से वह तुम्हें वापस बुला रहा है इसलिए अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरी शिक्षा का पालन करते हो तो वास्तव में तुम परम पिता से प्रेम करते हो और उसके पास वापस जाने के मार्ग पर चल रहे हो और जो मनुष्य मुझे देखता है वह मुझे भेजने वाले को देखता है जो भी अपने अंदर मेरे नूरी स्वरूप को देखता है वह असल में मुझे नहीं बल्कि मुझे भेजने वाले को देखता है क्योंकि मैं और परमपिता एक हैं अगर तुमने अपने अंदर गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन नहीं किया लेकिन जीवित गुरु को देह स्वरूप में देखा है तब भी तुम अंत में परमपिता के पास वापस पहुंच जाओगे गुरु के देह स्वरूप का दर्शन करने से उनसे प्रेम हो जाएगा और यह प्रेम अंदर नूरी स्वरूप का दर्शन करने में तुम्हारी सहायता करेगा वहां से तुम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाओगे जब तक कि परम पिता में विलीन नहीं हो जाते मैं ज्योति हूं जगत में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे ये संसार अंधकार और भ्रम से भरा है मैं तुम्हें ज्ञान का प्रकाश सत्य का प्रकाश देने आया हूं मुझ पर विश्वास करो और मेरी शिक्षा पर चलो फिर तुम्हें बार बार इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा तुम्हें इस अंधकार से छुटकारा मिल जाएगा और यदि कोई मनुष्य मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता क्योंकि मैं मनुष्यों का निर्णय करने के लिए नहीं बल्कि उनका उद्धार करने के लिए आया हूं जीसस असीम दया से धैर्यपूर्वक कहते हैं अगर कोई मेरा उपदेश सुनकर भी उस पर विश्वास नहीं करता तो मैं उसे दोष नहीं देता मुझे तो उस पर दया आती है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो क्या खो रहा है वो तो यह भी नहीं जानता कि उसे मनुष्य जन्म पाने का अवसर फिर कब मिलेगा जीवित गुरु के संपर्क में आना तो दूर की बात है मैं इस संसार में केवल संदेश देने और मार्गदर्शन करने के लिए आया हूं किसी का निर्णय या निंदा करने नहीं आया मैं तो चाहता हूं कि पापों और कमजोरियों से छुटकारा पाने में तुम लोगों की सहायता करूं। तुम्हें कर्मों तथा जन्म मरण के चक्र से छुड़ाऊं और परमपिता के पास वापस ले जाऊं संत सारे संसार का उद्धार करने नहीं बल्कि केवल उन आत्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं जो उनकी शिक्षा को मानती हैं जैसा जीसस पहले समझा चुके हैं केवल वे ही मुझ पर विश्वास करेंगे जिन्हें मेरा पिता चाहता है कि मुझ पर विश्वास करें जो ऐसी भेड़े हैं जिन पर मेरे लिए निशान लगा है केवल वे ही मेरी आवाज़ सुनेंगे और मुझ पर विश्वास करेंगे जाहिर है संत सारे संसार का उद्धार करने के लिए नहीं आते जो मुझे स्वीकार नहीं करता और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसका निर्णय करने वाला तो एक है जो वचन मैंने कहा है वही अंतिम दिन उसका निर्णय करेगा क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु परम पिता ने जिसने मुझे भेजा है मुझे आदेश दिया है कि मैं क्या क्या कहूं यहां क्राइस्ट कहते हैं जो मेरी शिक्षा को नहीं मानते उनका निर्णय परमपिता करेगा तुम लोग संसार में जो कुछ भी करोगे उन्हीं कर्मों के आधार पर तुम्हारा निर्णय होगा मैं तुम्हारा निर्णय नहीं करूँगा मैं तो केवल वह शिक्षा दे रहा हूं जिसका परमपिता ने मुझे आदेश दिया था मैं केवल उनके आदेश का पालन कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि परम पिता का आदेश अनंत जीवन है इसलिए मैं जो भी कहता हूं वैसा ही कहता हूं जैसा परमपिता ने मुझसे कहा है अगर तुम मेरी शिक्षा का पालन करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा यह शिक्षा परम पिता के पास से सीधे तुम्हारे पास आ रही है मेरी शिक्षा उसकी शिक्षा है और अगर तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो तो इस पर चलो प्रश्न और उत्तर देखना और विश्वास करना प्रश्न क्या यह संभव है कि जब क्राइस्ट कहते हैं कि अंतिम दिन में केवल उन्हीं लोगों का उद्धार करूंगा जिन्होंने मुझे देखा है तो वे उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अंतर में उनको देखा है असल में वे समझा रहे हैं कि उनके शिष्य कौन हैं, जिनका वे अंतिम दिन उद्धार करेंगे यह बात समझाते हुए वे स्पष्ट कहते हैं कि उद्धार वे उनका ही करेंगे जो उन्हें देखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं सबसे पहले तुम्हें गुरु को देखना है और वो है देह स्वरूप में देखना और फिर उन पर विश्वास करना गुरु के नूरी स्वरूप को देखने के बाद तुम उन पर विश्वास नहीं करते तुम्हें उनके देह स्वरूप को देखकर उन पर विश्वास करते हुए उनकी शिक्षा के अनुसार मेहनत करके चेतना के उस स्तर पर पहुंचना है जहां उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है तुम्हें इस क्रम को ध्यान में रखना चाहिए इसी संदर्भ में क्राइस्ट जीवित गुरु की आवश्यकता समझाते हैं वे कहते हैं मोजिस तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते जॉन द बैप्टिस्ट तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि तुमने उन्हें देखा नहीं है वे लोग परमपिता के सामने तुम पर दोष लगा रहे हैं उन लोगों ने धर्म ग्रंथों में मेरे विषय में लिखा है उसी अंदाज में आगे जीजस समझाते हैं कि उनके शिष्य कौन हैं इसलिए आपने पहले जो बाइबल में पढ़ा है उसके संदर्भ में यह सब पढ़ना होगा इससे पता चलता है कि देखने का तात्पर्य देह स्वरूप में देखना है